हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आईटीआई गुरु फिर से आपके सामने एक बार फिर एक नई बात, एक नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन आईटीआई के बच्चों के लिए लाके। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई हमें आईटीआई करने के बाद क्या करना है। तो पहली बात तो अगर आपको पता ना हो तो बता दूँ कि जो बच्चे 8वीं कक्षा के बेस के ऊपर जिन्होंने आईटीआई किया है 2 साल का एनसीवीटी कोर्स का, उसको 10वीं कक्षा का एसएससी का सर्टिफिकेट अपने आप मिल जाता है। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, जो बच्चे 10वीं कक्षा या फिर एसएससी के बाद आईटीआई में जुड़े हैं और जिन्होंने 2 साल किया है, तो उन बच्चों के लिए ये बात है कि आप लोग उसी सर्टिफिकेट के ऊपर 12वीं कक्षा का भी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। जिसमें आप 8वीं कक्षा के हैं तो डायरेक्ट आपको 11वीं कक्षा में एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अंत तक देखते रहें। आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ में अगर इंटरेस्ट है तो आपको ये जितेंद्र धोड़किया चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आईटीआई का प्लेलिस्ट है जिसमें आईटीआई के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां है, आईटीआई के एग्ज़ाम रिलेटेड और आईटीआई के पास करने के बाद भी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा विवरण, पूरी की पूरी गाइडलाइन आईटीआई प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आपको सबसे पहले अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल जाता है ऑटोमेटिक यूट्यूब के माध्यम से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे कि आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई आईटीआई वाला है जिसने आईटीआई किया, उनको भी मालूम नहीं है तो शायद उनको भी ये जानकारी मिलती रहे कि भाई अगर आपने आईटीआई किया है 8वीं कक्षा के बाद तो आप सीधे 10वीं में दाखिला हो सकता है, 11वीं में दाखिला हो सकता है। इसके लिए आपको करना है सिर्फ इंग्लिश विषय को पास करना है। आपको क्या करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए कि अगर आपको एसएससी और एचएससी की मार्कशीट चाहिए तो आपको एसएससी और एचएससी का इंग्लिश सब्जेक्ट पास करना आवश्यक है। वो जब पास कर लेंगे तो आपको उसके साथ जुड़े हुए जो और भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपको पास नहीं करने हैं, वो अपने आप पास हो जाते हैं और उनका आपको सर्टिफिकेट डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको उसके लिए क्या करना है, वो एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और कैसे उसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर होती है। तो अब मेरे सामने एक एप्लीकेशन है जिसमें सक्षमता प्रमाण पत्र मेड़ावानी अर्जीनो नमूनो, यानी कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ एचएससी और एसएससी, आपका नाम पता लिखना है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पोस्टल एड्रेस है, आपने कब और कहां किस आईटीआई में किया है और किस स्टैंडर्ड के लिए आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आपके इसके साथ जोड़ना है वो जो सर्टिफिकेट है वो जब 8वीं कक्षा पास की है तो उसका, और अगर 10वीं पास की है तो उसका, और आपको एलसी आपका लिविंग सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है स्कूल में से वो चाहिए, आईटीआई की एनसीवीटी की मार्कशीट चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जीसीवीटी को अलाउ नहीं है, एनसीवीटी का अगर आपको ट्रेनिंग ली है तो उसकी मार्कशीट आपको चाहिए, और उसकी जो 2 साल के कोर्सेज है उसी की मार्कशीट चलेगी। 1 साल वाले बच्चों को ये इक्विवेलेंट सर्टी नहीं मिलता। तो उसके लिए आईटीआई में आपको 2 साल एनसीवीटी का कोई भी कोर्स किया होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि 10वीं और 12वीं की जो आपको चाहिए तो उसकी इंग्लिश की परीक्षा आपने पास की है वो आपको पहले से कर लेनी है, तो उसकी मार्कशीट आपको देनी है। और आप सबको अगर पता हो तो ठीक है, जो 10वीं के एग्ज़ाम होते हैं और 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं तो 10वीं और 12वीं में आप रेगुलर जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी बैठ के ये इंग्लिश की एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर आपसे ये छूट गया है तो उसके बाद तुरंत ही जो एक विषय में फेल होते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम आती है, तो
तो जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है वहाँ जाके पता करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो फिर आपको 10वीं या 12वीं की इंग्लिश की पास करी हुई जो मार्कशीट है वो आपको जुड़नी है, और आपको साथ उसके साथ जुड़ना है 50 रुपये का सचिव श्री गुजरात माध्यमिक एंड उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्ड सेक्टर 10B गांधीनगर ना नामनो डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि उसका एक डिमांड ड्राफ्ट आपको 50 रुपये का लेना है। और कौन सी भी बैंक से आप ले सकते हैं, जो राष्ट्रीयकृत है नेशनल बैंक में से आप ले सकते हैं, और उसको कौन सी तारीख का है, ताकि जो DD होता है उसकी कोई मुदत होती है वहाँ तक ही चलता है, तो आपको वहीं ये इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपको सर्टिफाई करना है कि आर्थिक प्रमाण पत्र आप पूछे के ऊपर दर्शाएल तमाम विगतों अने प्रमाण पत्रों साचा छे, अने जो खोटा हे तो एनी जवाबदारी मारी छे। इस तरह का आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, और आपकी तारीख और आपकी साइन देके ये फॉर्म लेके आपको आपकी नज़दीकी ITI जहां आपने ITI किया है वहां जाना है, वहां वो लोग इकट्ठा करके उसको भेज देंगे। और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं वहां पे, डायरेक्ट जो एड्रेस दिया है जहां पे DD निकाला है वहां पे जाके गुजरात माध्यमिक अने उच्च माध्यमिक बोर्ड सेक्टर 10B गांधीनगर वहाँ डायरेक्ट जाके भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, सुबह में देंगे तो आपको मेरे ख्याल से कई बार तो अगर कोई पेंडिंग वर्क ना हो तो शाम तक मिल जाता है। तो ये हुई बात हाउ टू गेट द SSC एंड HSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग द ITI। तो बच्चों आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे, उनको मालूम नहीं था, बहुत सारे हमारे स्टाफ लोगों को भी शायद इतना डिटेल में मालूमात नहीं है। इसका पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें पूरा सेक्शन और ITI और सब टेक्निकल वगैरह का जो उन्होंने जो प्रोसीजर किया होता है वहीवट विभाग का, वो सब भी दिया हुआ है, और साथ में ये कॉपी भी दी है। तो ऐसा करके वैसे तो ITI को किया गया है कि भाई आप ऐसे जो ट्रेनी है उसकी डिटेल कलेक्ट करके आप ही उसको सर्टिफिकेट मंगवा के दीजिए, पर अगर आपको कोई जल्दी है चाहिए तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सब सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में अपना ईमेल डाल सकते हैं, मैं आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट है जो 24 पेज का वो भी आपको शेयर कर दूंगा, आपके मेल के एड्रेस के ऊपर भेज दूंगा अगर किसी को ज़रूरत है तो। तो ये पूरा का पूरा 24 पेज का ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो आपको अपने एड्रेस के ऊपर मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस के ऊपर, या फिर अपना व्हाट्सएप डालिए। और दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, ऐसी और भी जानकारियाँ बहुत सारी है, हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नई बात नई पते की बात लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जितेंद्र धोड़किया आपका ITI गुरु आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।